इंपल्स, एंड इंपल्सिव फोर्स। जब हम फुटबॉल के मैदान के ऊपर मान लो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो फुटबॉल की गेंद के ऊपर जब अपन एक पांव से किक लगाते हैं, पांव से जब एक किक लगाई जाती है इसके ऊपर, तो क्षण मात्र के लिए पांव इस गेंद के ऊपर जोर से टकराता है और एक बल लगाता है। वो क्षणिक बल जो एक अत्यधिक परिमाण का होता है और जिससे कि इस फुटबॉल के संवेग में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे लगने वाले बल को हम इंपल्सिव फोर्स या आवेगी बल कहते हैं। और इसका जो प्रभाव है उसको हम इंपल्स या आवेग कहते हैं। प्रभाव क्या हुआ कि मान लो फुटबॉल को प्रारंभिक वेग यू से गति कर रही थी, तो उस समय संवेग जो है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो प्रारंभिक संवेग था एम यू, और जब हम जोर से इसके ऊपर पांव से किक लगाते हैं तो इसका वेग जो u है वो बदल करके v हो जाता है। तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, mv माइनस mu। संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है इसको हम इंपल्स या आवेग कहते हैं। और जो बल, जो क्षणिक बल लग रहा है अत्यंत अल्प परिमाण के ऊपर, अत्यधिक परिमाण का बल जब कोई वस्तु पर कार्य करके और उसके संवेग में परिवर्तन करता है तो ऐसे बल को हम आवेगी बल कहते हैं। और इसके अंदर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेगी बल और समय का गुणनफल, और इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन और सेकंड आवेग की इकाई हो जाएगी। अगर हम देखते हैं कि इसमें से समीकरण में से m कॉमन ले लें तो टर्म क्या आती है, v माइनस u। इसके अंदर अगर हम यहां पर t का भाग देके और इधर t से गुणा कर दें तो हम देखते हैं ये जो है v माइनस u बटा t वेग में परिवर्तन की दर है जिसे कि हम त्वरण कहते हैं। और mf जो है वो बराबर p के होता है, तो p इंटू टी बराबर i। यहां पर p जो है ये अत्यधिक परिमाण का बल है जो अत्यंत अल्प समय के लिए अर्थात t सेकंड के लिए कोई वस्तु पर कार्य करके उसके संवेग में परिवर्तन कर देता है। इस प्रभाव को आवेग या इंपल्स कहते हैं और इस अत्यधिक परिमाण के बल को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दो प्रत्यास्थ गेंदें अगर एक सरल रेखा में गति करते हुए आपस में टकराती है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, इसका वेग u1 है,
इसका वेग u2 है। जब गेंद आपस में टकराती है तो एक गेंद दूसरी गेंद के ऊपर बल लगाती है और जो समय होता है वो अत्यंत अल्प समय होता है। मतलब एक गेंद दूसरी गेंद के ऊपर क्या कर रही है, इंपल्स लगा रही है, जिससे अगर ये गेंद इसके ऊपर इंपल्स ट्रांसफर कर रही है तो इसके संवेग में परिवर्तन हो गया और ये गेंद समान आवेग इसके ऊपर लगा रही है तो इसके भी संवेग में परिवर्तन हो गया। तो टकराने के पश्चात जो है पहली गेंद का वेग है वो v1 है, दूसरी गेंद का वेग है वो v2 है। एकदम चिकना और घर्षण रहित सतह मानी जा रही है और एक दिशा को अपन धनात्मक मानते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर पहली गेंद दूसरी गेंद के ऊपर इंपल्स ट्रांसफर कर रही है तो I1 और I2 का मान तो बराबर होगा, परिमाण तो बराबर होगा, मगर दिशा विपरीत होगी क्योंकि एक गेंद जो बल लगा रही है वो इस दिशा में लगाएगी तो दूसरी गेंद उसके विपरीत दिशा में लगाएगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि I1 बराबर माइनस I2, I1 का अगर मैं मान लिखूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, M1 V1 M1 U1 बराबर माइनस ब्रैकेट M2 V2 माइनस, जब हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। ये है M1 V1 माइनस M1 U1। अब अपन क्या करते हैं कि पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस की राशि को इधर ले जाओ, इस माइनस को राशि, तो इधर ही हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 प्लस M2 U2। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को हम कहते हैं रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात अगर पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ टक्कर हो रही हो, घर्षण रहित फर्श हो, तो टकराने से पूर्व पश्चात का संवेग और पूर्व का संवेग बराबर होगा। दो दृढ़ पिंडों का टकराना या संघट, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहली परिभाषा मैं बोल रहा हूं कॉलिजन या इंपैक्ट। हिंदी में इसको बोलेंगे संघट। संघट का अर्थ क्या है, जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो इस टकराने की प्रक्रिया को ही संघट कहते हैं। ये गेंद थोड़ी धीमी गेंद गति से चल रही है, ये गेंद थोड़ी तेजी से आती है और जब आकर के और इसको टकराती है तो जो टकराने की प्रक्रिया होती है उसे हम संघट कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा है लाइन ऑफ इंपैक्ट। हिंदी में इसको कहेंगे संघट रेखा। जब दो पिंड परस्पर टकराते हैं तो उनके संपर्क बिंदु पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के लंबवत तथा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली रेखा को संघट रेखा कहते हैं।
ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, जब टक्कर हो रही है और इसके लंबवत जो रेखा खींची जा रही है, ये रेखा को अपन संघट रेखा कहते हैं। तीसरा बिंदु है डायरेक्ट इंपैक्ट। इसको हम कहेंगे समक्ष संघट। जब दो टकराने वाली गेंदें संघट रेखा के ऊपर गति करती हुई आकर के और आमने सामने आके टकराती हैं, ऐसे संघट को डायरेक्ट इंपैक्ट या समक्ष संघट कहते हैं। फिर आखिर में है ऑब्लिक इंपैक्ट, तिर्यक संघट। दो टकराने वाली आपस में गेंदे हैं और ये इनके बीच की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और इसकी अभिलंब खींची गई ये रेखा को अपन कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। मगर जो दो गेंदे आकर के आपस में टकरा रही हैं, वो लाइन ऑफ इंपैक्ट को गति नहीं करके कोई अन्य दिशा से गति करती हुई आ रही है। और आकर के टकराती है, ऐसे संघट को ऑब्लिक इंपैक्ट या तिर्यक इंपैक्ट कहते हैं। फिर है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इंपैक्ट। न्यूटन का प्रयोगात्मक, न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। मतलब इनका कोई मैथमेटिकल बेस नहीं होकर के और एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर न्यूटन ने यह प्रमाणित किया कि अगर दो गेंदें आपस में टकराती हैं जो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हैं, तो संघट के पश्चात उनका सापेक्ष वेग तथा संघट से पूर्व उनका सापेक्ष वेग अचर किंतु ऋणात्मक अनुपात में होगा। अर्थात टकराने के पश्चात का सापेक्ष वेग तो लिखूंगा तो v1 माइनस v2 और टकराने से पूर्व का लिखूंगा तो u1 माइनस u2। ये अनुपात जो है वो एक ऋणात्मक और एक अचर अनुपात होगा। अनुपात अचर होगा और ऋणात्मक होगा। ये e का मान पिंडों की प्रत्यास्थता के ऊपर निर्भर करेगा और इसको अपन कहते हैं प्रत्यानयन गुणांक। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका जो मान होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। एक गोले का किसी स्थिर चिकने समतल
से समक्ष संघट। उदाहरण के तौर पे अगर हमने एक प्रत्यास्थ गेंद को लेकर के और एक फर्श के ऊपर गिराते हैं, हाथ में पकड़ी हुई है सिंपली और उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये मेरा पहला पिंड हो गया। गेंद का द्रव्यमान मान लो एम है और ये जब आकर के इसको टकराएगी उस वक्त का वेग है वो मान लो यू वन वेग से इसको टकराती है, एम वन लिख देते हैं इसको, मगर दूसरे टकरा किससे रही है, फर्श से। तो फर्श का प्रारंभिक वेग क्या है, यू टू, और यू टू का मान क्या है, जीरो, क्योंकि फर्श में कोई गति नहीं हो रही, ऊपर से गेंद आकर के फर्श से टकरा रही है। टकराने के पश्चात क्या होता है कि टप्पा खा करके गेंद वापस ऊपर उठती है, मतलब टप्पा खाने के बाद में गेंद ऊपर की दिशा में वापस से गति करेगी और वो टकराने के बाद में उसका जो वेग है वो वी वन है, वो ऊपर की दिशा में होगा। टकराने के बाद में फर्श अपनी जगह पे स्थिर रहता है, मतलब उसका जो वेग है वो क्या है, शून्य है। तो समक्ष संघट का से सिद्धांत है जिसके अंदर अपन कहते हैं कि टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के पश्चात का संवेग बराबर रहता है। तो पूर्व का संवेग की गणना करूं तो मैं लिखूंगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये टकराने से पूर्व का संवेग है, बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। मेरा कहना है कि u2 और v2 जीरो है, उस हिसाब से ये u2 जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। u2 और v2 क्या है, फर्श का वेग, फर्श की कोई गति होती नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ही है, केवल अपने हाथ से गेंद को गिरा देने मात्र से गेंद आकर के और यहां u1 वेग से टकराई और v1 वेग से ऊपर उड़ गई। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि m1 u1 बराबर m1 v1, ये कब परिस्थिति में है, जब पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। तो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ अगर टक्कर है जिसमें कि E का मान वन होगा तो U और V बराबर होगा, मगर अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर नहीं है तो हम न्यूटन का प्रयोगात्मक सिद्धांत लगाएंगे और न्यूटन का क्या कहता है कि टकराने के पश्चात का सापेक्ष वेग यानी कि v1 माइनस v2, टकराने से पूर्व का सापेक्ष वेग u1 माइनस u2 बराबर माइनस e, फर्श का सापेक्ष वेग, फर्श का वेग टकराने से पूर्व भी जीरो था और पश्चात भी जीरो है, मगर मैं देखता हूं कि v1 का मान मेरे लिए क्या होगा, v1 माइनस जीरो, u1 माइनस जीरो बराबर माइनस e, यानी कि v1 बराबर माइनस e गुणा u1। अगर पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ है तो e का मान जो है वो माइनस वन रखेंगे और v1 और u1 बराबर है, माइनस आने का मतलब है कि एक u1 की दिशा नीचे की तरफ है तो v1 की दिशा ऊपर है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब गेंद टकरा रही है उस वक्त उसका वेग नीचे की तरफ है, टकराने के पश्चात उसका वेग ऊपर की तरफ है। मेरा यह कहना है कि मान लीजिए एच ऊंचाई से अगर अपन ने इसको गेंद को गिराया तो कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा,
से एच डैश ऊंचाई तक ही ऊपर उठेगा। तो जब अपन गिरा रहे हैं तब प्रारंभिक वेग जीरो है। मुक्त रूप से कोई चीज गिरती है तो उसमें त्वरण जो होता है वो गुरुत्व जनित त्वरण होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि अंतिम वेग जो है जो यहां पे पहुंचने के बाद में वो है U1। तो U1 स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जीरो है U0 प्लस 2FS, तो F की जगह तो आ जाएगा 2G और H, दूरी जो है वो H है यहां पे। तो मूल समीकरण अपन ने क्या काम में लिया, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2FS समीकरण काम में लिया, उससे हमें ये प्राप्त हो गया और ये कहलाएगा U1। तो U1 बराबर ये है, तो U1 बराबर आ गया मेरे लिए अंडर रूट 2GH। ये कब आप गति का अध्ययन किया, जब गेंद नीचे आ रही है, अब मेरी गेंद ऊपर जाती है, टकराने के पश्चात प्रारंभिक वेग वगैरह क्या हो गया V1, और इसकी दिशा है ऊपर की तरफ। अंतिम वेग क्या होगा, जब एच डैश ऊंचाई तक पहुंचने के बाद में वेग जीरो हो जाएगा। सूत्र यही वाला काम में लेंगे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अंतिम वेग जीरो, प्रारंभिक वेग U1 की जगह V1 स्क्वायर, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं E स्क्वायर इंटू यू वन स्क्वायर, और यू वन का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा और ये केवल रह जाएगा टू जी एच, ये यू स्क्वायर कर दिया प्लस टू एफ एस, तो प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा क्योंकि जी की दिशा तो नीचे की तरफ है और गति की दिशा हमारी ऊपरी ऊपर की तरफ है, गेंद ऊपर जा रही है तो यहां पर मंदन हो रहा इसलिए ये माइनस टू जी, और विस्थापन हो रहा है ऊपर की दिशा में वो है एच डैश, तो हम लिखेंगे एच डैश। मैं कहूंगा ये 2G और ये 2G इस समीकरण में से अपन कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 2G E स्क्वायर H माइनस एच डैश, और कुल मिला के ये जीरो है। तो मैं लिख सकता हूं ये मल्टीप्लीकेशन की चीज को अगर इधर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये जीरो के बराबर ही हो जाएगी, और मैं लिख सकता हूं ई स्क्वायर एच माइनस एच डैश, और ये किसके बराबर है जीरो के बराबर। इस माइनस एच को अगर पक्षांतर करें तो एच डैश बराबर क्या आ गया ई स्क्वायर इंटू एच। तो ये मेरा एक समीकरण मेरे को प्राप्त हो गया कि अगर कोई गेंद मुक्त रूप से हाथ से छोड़ी जाती है और एच ऊंचाई से छोड़ने के पर से टकराती है, टकराने के बाद में वो एच डैश ऊंचाई पर जाती है, तो एच डैश बराबर ई स्क्वायर इंटू एच होगा। जब दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो इस टकराने के अंदर ऊर्जा में हानि होती है, मतलब मेरा ये कहना है कि ये टकराने से पूर्व की स्थिति है, इसका प्रारंभिक वेग U1, U2, M1, M2 इनका द्रव्यमान है, टकराने के पश्चात वेग V1 और V2। तो मेरा कहना है कि टकराने के पश्चात की गतिज ऊर्जा, यानी क्या लिखूंगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर एक बट्टा दो प्लस एम टू वी टू स्क्वायर, ये कौन सी गतिज ऊर्जा हो गई टकराने के पश्चात की गतिज ऊर्जा, और टकराने से पूर्व की गतिज ऊर्जा वो है हाफ एम वन यू वन स्क्वायर
प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर। ये टकराने से पूर्व की गतिज ऊर्जा, ये पश्चात की गतिज ऊर्जा। तो मैं ये लिख रहा हूं कि टकराने के पूर्व की काइनेटिक एनर्जी माइनस टकराने के पश्चात की काइनेटिक एनर्जी जो है, इसका अंतर लेंगे तो हमें ऊर्जा में हानि प्राप्त हो जाएगी। टकराने से गतिज ऊर्जा में हानि प्राप्त हो जाएगी। दूसरा है कि अगर अपन कोई तोप चलाते हैं तो वो गोला जब छूटता है तो उसके पीछे की तरफ धक्का खाती है तोप, उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। जब कभी भी कोई तोप को छोड़ा जाता है तो जैसे ये हमारे पास एक तोप है, और ये तोप की नाल है, इसके अंदर तोप के अंदर यहां पर एक गोला रखा हुआ है, और इस गोले का जो द्रव्यमान है वो से स्मॉल एम है, और तोप का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है। प्रारंभ के अंदर गोला जो है इसका वेग भी शून्य है और तोप का वेग भी शून्य है, पर जैसे ही इसके पीछे बराबर बारूद के अंदर आग लगाई जाती है तो बारूद फटता है, और बारूद के धक्के से ये गेंद इस नाली से निकलती हुई सीधी आगे की तरफ जाती है, तो बारूद के फटने के पश्चात इसका वेग जो है वो स्मॉल v है और इसका द्रव्यमान m है। किसका है? ये गोले का। तो मेरा कहना है कि जैसे ही अपन तोप को दागते हैं तो पीछे की तरफ v वेग से धक्का खाती है, v वेग से पीछे की तरफ गति करेगी। ये v वेग को हम रिकॉइल ऑफ द गन या तोप का प्रतिक्षेप वेग कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? तोप का प्रतिक्षेप वेग। मेरा यह कहना है कि पूर्व का संवेग, मतलब तोप के दागने से पूर्व का संवेग क्या होगा? पूर्व का संवेग मतलब कि जब तोप के अंदर गोला रखा हुआ है ऐसी परिस्थिति में इस गोले का वेग भी जीरो है और तोप का वेग भी जीरो है, यानी कि तोप के दागने से पूर्व का संवेग जीरो है और पश्चात का संवेग क्या होगा? अब हमने तोप को दाग दिया तो एक दिशा अगर आप पॉजिटिव मानोगे, मतलब इस v की दिशा पॉजिटिव मानूंगा तो स्मॉल m इंटू स्मॉल v, और ये यहां पे मेरे को माइनस लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा से विपरीत है, कैपिटल v की दिशा विपरीत है, और कैपिटल m किसका द्रव्यमान है? तोप का द्रव्यमान, और स्मॉल m गोले का द्रव्यमान, तो पश्चात का संवेग है। हमारा ये कहना है कि पूर्व का संवेग और पश्चात का संवेग बराबर होना चाहिए, और इस नियम से मैं लिख सकता हूं कि एम वी माइनस एम वी बराबर जीरो, यानी कि एम वी और एम वी दोनों ही बराबर हैं। तोप का संवेग और गोली का संवेग बराबर है मगर दिशाएं ठीक एक दूसरे से विपरीत है। तो रिकॉइल ऑफ द गन या प्रक्षेप वेग जो है
वो कैपिटल वी बराबर स्मॉल एम बटा कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी। ये स्मॉल वी जो है ये गोले का वेग है, स्मॉल एम गोले का द्रव्यमान है, कैपिटल एम तोप का द्रव्यमान है और कैपिटल वी तोप का प्रतिक्षेप वेग है। तो तोप का प्रतिक्षेप वेग इस सूत्र के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। दो प्रत्यास्थ गोले बराबर किंतु विपरीत वेगों से सीधे टकराते हैं। यदि संघट के बाद एक गोले का वेग शून्य हो जाता है तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि प्रत्यानयन गुणांक माइन ई हो। यहां पर ये दो प्रत्यास्थ गोले हैं जिनका द्रव्यमान एम वन है और एक का द्रव्यमान एम टू है। ये बराबर मतलब इसका अगर वेग यू है तो इसका भी वेग यू है किंतु विपरीत वेगों से टकराते हैं, मतलब इसका वेग और इसका वेग जो है एक दूसरे के ठीक विपरीत है और आकर के ये टकराते हैं। टकराने के बाद में एक गोले का वेग शून्य हो जाता है। मतलब अगर मैं लिखूं टकराने के पश्चात की स्थिति का सोचूं तो अगर पहले वाले गोले का वेग मान लीजिए वी वन है तो दूसरे गोले का वेग जो वी टू है ना वो जीरो हो जाएगा, यानी ये एम टू दूसरे गोले का वेग जीरो करना है। अब मेरा कहना है कि न्यूटन का प्रयोगात्मक सिद्धांत हमें क्या कहता है, न्यूटन का प्रयोगात्मक सिद्धांत, न्यूटन का प्रयोगात्मक सिद्धांत हमें कहता है कि संघट के पश्चात का सापेक्ष वेग बटा संघट के पूर्व का सापेक्ष वेग इनका अनुपात माइनस ई होता है। इस ई को अपन कहते हैं प्रत्यानयन गुणांक, प्रत्यानयन गुणांक ई। अब सबसे पहले लिखा है तो संघट के पश्चात का सापेक्ष वेग यानी कि वी वन माइनस वी टू बटा यू वन माइनस यू टू बराबर माइनस ई। इस समीकरण से हम देखेंगे कि वी वन की जगह तो ठीक है वी वन लिख दिया मगर वी टू की जगह हमें जीरो लिखना पड़ेगा और यू वन की जगह मैं लिखूंगा यू मगर यू टू की जगह माइनस यू लिखूंगा क्योंकि इससे इसकी दिशा विपरीत है और जब माइनस यू लिखूंगा तो ये इस ढंग से लिखा जाएगा और ये बराबर है माइनस ई। यानी मैं कह सकता हूं कि वी वन का मान जो है ये तो जीरो हो गया और ये पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई इंटू टू यू। ये हमें टकराने के पश्चात एक पिंड का वेग आ गया दूसरे पिंड का वेग जीरो है। अब रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मैं लिख सकता हूं एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन एम टू वी टू। यहां पर यू वन का मान तो लिखेंगे यू यानी कि एम वन मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस एम टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस यू, क्यों? क्योंकि इसका वेग विपरीत है बराबर m1 into v1 प्लस m2 into 0। ये जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक गोले का वेग शून्य हो जाता है संघट के बाद एक गोले का वेग शून्य हो जाता है तो v2 का मान यहां जीरो रखा जाएगा।
और हम देखेंगे कि अब ये माइनस है तो इसमें से अपन ये लिख लेते हैं m1, और u अगर कॉमन ले लें तो m1 माइनस m2, और बाहर ब्रैकेट के क्या आ जाएगा u बराबर m1 v1। अब v1 का मान ऊपर से ले लीजिए तो ये क्या है माइनस e इंटू टू यू, ये v1 का मान है, और मल्टीप्लाइड बाई m1। अब अपन यो करें कि ये जो ऋणात्मक यहां की चीज है इसको पक्षांतर करके इधर ले जाए, तो अपन इस ढंग से लिख सकते हैं, एक मिनट ब्रैकेट खोल ही लेते हैं वापस से, m1 u प्लस 2u इंटू e गुणा m1। ये राशि नेगेटिव है, इसको इधर लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये राशि जो नेगेटिव है उसको दूसरी तरफ लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये u गुणा m2। मेरा कहना है कि u की टर्म यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पर भी है। जब समीकरण के सभी टर्म में u की टर्म है, इसको कॉमन लेके अपन हटा सकते हैं, और यहां पर m1 इन दो टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है। तो मैंने m1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 2e बचा, और इधर मैं देखूंगा तो ये बराबर m2 के आ गया। तो अंत में मैं लिख सकता हूं कि m1 बटा m2, m1 बटा m2 करूं तो ये इसका मान आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस 2e, और अगर इसका अनुपात लिखना होगा तो अपन ऐसे लिखेंगे m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात ब्रैकेट 1 प्लस 2e। एक हथौड़े का द्रव्यमान 19.6 किलोग्राम है, वह किसी वस्तु को 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 दिशा में टकराता है और 0.02 सेकंड में रुक जाता है, आघात का औसत बल ज्ञात कीजिए। हमारा यह कहना है कि जब कोई चीज गति कर रहा है तब उसका इस हथौड़े का संवेग क्या है, तो इसका द्रव्यमान है 19.6 और इसका वेग जो है वो है 3, यानी कि m इंटू यू ये इसका प्रारंभिक संवेग है, और टकराने के बाद में ये रुक जाता है, अंतिम वेग 0 हो गया, तो m इंटू फाइनल जो है वो 19.6 गुणा 0 हो गया। तो ये क्या चीज हो रही है, mv संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं आई। तो आई का मान जो है वो मेरे लिए है 19.6 गुणा 3 माइनस 0, और आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू टी, आवेगी बल और समय का गुणनफल, क्योंकि समय हमारे को दिया हुआ है, समय दिया है 0.03, तो आवेगी बल का औसत मान ज्ञात करना है, यानी पी बराबर 19.6 गुणा 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम कितना है 0.02 सेकेंड, और इसको अपने को हल कर लेना है। तो पी का मान आ गया 2940 न्यूटन। 560 किलोग्राम की तोप से 1 किलोग्राम का एक गोला 700 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा गया, वह अचर बल ज्ञात कीजिए जो तोप के प्रतिक्षेप को 1 मीटर में रोक देगा। हमारा यह कहना है कि हमारे पास एक तोप है, और तोप के अंदर एक गोला रखा हुआ है, जब तोप को फायर किया जाता है तो गोला जो है वो 700 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ा गया है, स्मॉल v बराबर ये है, और स्मॉल m का मान हमारे को दिया हुआ है 1 किलोग्राम, और कैप तोप का द्रव्यमान है उसको मैं कैपिटल m से लिखता हूं, और तोप का द्रव्यमान दिया है 560 किलोग्राम मुझे दिया हुआ है। तो पहले मैं तोप का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कर लेता हूं, तो तोप का प्रतिक्षेप वेग v बराबर
स्मॉल एम बटा कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी एक बटा 560 और गुणा 700, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये कैपिटल बी का मान आ गया 70/56। और अगर अपन इसको करें तो ये हो जाएगा 10/8, यानी कि ये आता है 1.25 मीटर पर सेकंड। अब इस तोप को 1 मीटर की दूरी में रोक देना है, मतलब अब हमारे ये तोप की गति क्या हो रही है कि इनिशियल वेलोसिटी तो हम लिखेंगे u इक्वल्स टू 1.25 मीटर पर सेकंड और उसको 1 मीटर में इसका वेग क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो रोक दोगे तो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर, 1 मीटर के अंदर इसको रोकना है। तो हमें मंदन ज्ञात करना है, तो सूत्र ये काम आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2fs। ये ध्यान दीजिए माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि मंदन कर रहे हैं अपन, इसको तोप को पीछे जाने से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। अंतिम वेग जीरो है, प्रारंभिक वेग 1.25 और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2 × s का मान है 1, तो 2 × f आ जाएगा, यानी कि f बराबर मैं लिख सकता हूँ 1.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने मंदन ज्ञात कर लिया। हमारे से ये पूछा जा रहा है कि वह अचर बल ज्ञात कीजिए जो इतना मंदन उत्पन्न कर सके। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से P इज इक्वल टू m इंटू f होता है, m का मान मेरे को दिया हुआ है, तोप का द्रव्यमान, तोप का द्रव्यमान है 560 और जो मंदन उत्पन्न किया जा रहा है वो है 1.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आता है 437.5 न्यूटन। तो इतना बल अपन तोप को पीछे जाने में रोक लगाएंगे तो तोप को 1 मीटर की दूरी में अपन रोक लेंगे।